Hey, what's up? Greenpolygames here. तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एलडी प्लेयर में पबजी को 60 एफपीएस पे कैसे ट्यून करते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट वैसा ही फॉलो कीजिए, एकदम इधर उधर कुछ मत कीजिए। सिंपल ही आपका खुल जाएगा एलडी प्लेयर, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपल जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आपको कुछ सेटिंग करना है, जैसे कि यहाँ पर एडवांस में जाना है। यहाँ पर टैबलेट चूज़ करेंगे, यहाँ पर 920x1080 280 DPI यूज़ करेंगे। यहाँ पर जाएंगे 4 कोर्स, यहाँ रैम पूछ रहा है। रैम सिंपल मेरा, अगर मेरा 12 GB तो मैं 8 GB दे रहा हूँ, फुल दे दीजिए। और यहाँ पर ये ऐसा रहेगा, यहाँ पर आपको मैनुअली में जाना है। और यहाँ पर मैंने 10 GB दिया हुआ है, 10 GB आप दे दीजिए, क्योंकि सिर्फ आप पबजी ही प्ले कर रहे हैं और कुछ प्ले नहीं कर रहे हैं इस चीज़ पे। बेसिक के अंदर आएंगे, सेम टू सेम ऑटो रोटेशन इनेबल, फिक्स विंडो साइट डिसेबल, और ये सिंपल कर लीजिए, माइक्रोफोन जो आपका हो वो डाल दीजिए इस पर। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आपको करना है हाई FPS फॉर पबजी नहीं करके फुल HD फॉर ब्लैक डेजर्ट कर देना है, सेट कर देना है। यहाँ पर देखिए गूगल अब पिक्सल 2 आ जाएगा। नेटवर्क को यहाँ इसको डिसेबल करेंगे, नॉर्मल एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ हम लोग आते हैं मेन पार्ट, यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए रिजोल्यूशन है। यहाँ पर मैंने 2K रखा हुआ है, एनेबल HDR मोड को रखा हुआ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप 2K पे, आपका सिस्टम पे अगर भारी चल रहा है तो 1080p पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसको आप टेस्ट करना होगा आपके अपने सिस्टम पर कि कैसे काम करता है। मेरा सिस्टम पर यही काम कर रहा है दोनों मिला करके। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं, और कहीं कुछ नहीं करना है, बाकी तो सब ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर ये पूछेगा रिस्टार्ट देने के लिए, जी हाँ रिस्टार्ट चाहिए, इसको रिस्टार्ट दे दीजिए। यहाँ पर आपका खुल गया, यहाँ पर पबजी को ओपन करते हैं। पबजी नीड टू सेट द रेजोल्यूशन फॉर मोबाइल, प्लीज़ क्लिक बटन टू ओके, रिवाइज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कुछ इस तरह से ओपन हो रहा, जैसा कि पहले ओपन हो रहा था। मैंने अभी सेटिंग को चेंज किया था। आप सिंपल यहाँ से पबजी को ऑन कीजिए। यहाँ पर ये आ गया इमुलेटर डिटेक्टेड, ओके। कट करना है, कट कीजिए इसको, इसको बड़ा कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ तो 58-56 दिखा रहा है। चलिए ट्रेनिंग मोड के अंदर थोड़ा देर में ये भी बढ़ जाएगा, 60 के आसपास आ जाएगा। और सेटिंग में आना है ग्राफिक्स के अंदर, यहाँ पर ये सारा कुछ यहाँ एक्सट्रीम कर दीजिए, और इसको बैलेंस HDR जो भी आपको अच्छा लगे स्मूथ करके एक बार देखते हैं क्या होता है। ओवरऑल तो ये बहुत अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये देखिए, ये तो एकदम अल्ट्रा पे भी चल रहा है, एकदम जबरदस्त क्वालिटी, और फ्रेम ड्रॉप नहीं कर रहा है। तो फुल HDR करने का ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो बस सेटिंग कर लीजिए, और सिंपल मैं यहाँ पर बैलेंस कर ले रहा हूँ, इसको एक्सट्रीम में रखना है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप चेंज आप कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो भाई आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और इसको शेयर कीजिए, और लाइक भी कीजिए भाई, का सपोर्ट करिए। आप लोग का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी आगे ही वीडियो आ पाएगा बढ़िया बढ़िया।
बाय बाय।